आज ज़रा बात करते हैं सप्लीमेंट्स के हवाले से, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने देखा होगा एक ब्रांड है जिसने हाल ही में सेलिब्रेट करने की कोशिश की, Y2K के ब्रांड, यानी आप माने या ना माने लेकिन द टर्न ऑफ द मिलेनियम वाज आल्सो नाउ 24 years ago। जब साल 2000 टर्न हुआ था तो काफ़ी उस पर चीज़ें आई थी। इंटरेस्टिंगली उसमें एक डिज़ाइन जो था उन्होंने आई हार्ट ओजम्पिक कहा था। अगर आप किसी पत्थर के नीचे रह रहे हैं और आपको ओजम्पिक नहीं पता तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स दिस न्यू ड्रग जो कि डायबिटिक लोगों के लिए यू नो डिस्कवर की गई थी, और पता ये चला कि उससे बहुत तेज़ी से आपका वज़न घटता भी है। बड़े बड़े नाम इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे आप हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, या अपनी इंडस्ट्री की बात करें, लोग यकायक वज़न कम करने के लिए ओजम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके फिर बाद में नुकसान भी हैं। इसकी वजह से एक ख़ास तरीके से, क्योंकि आपका वज़न गिरता है तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि जी आपके चेहरे के खदोखाल एक जैसे हो जाते हैं, एंड व्हाट यू लूज़, आपको यकायक वज़न कम तो मिलता है लेकिन उसके बाद आप उसको गेन भी करते हैं। दिस इज़ जस्ट वन एग्ज़ाम्पल। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं जो आपको वज़न घटाने में मदद कर सकती हैं। आज ज़रा इसी को डिस्कस करते हैं कि इस तरह के शॉर्टकट के क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है बुशरा जावेद, और उनसे पूछेंगे कि लोग क्या इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, या ये सुस्ती काहली के मारे लोग हैं जो मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते और बस समझते हैं कि दवा खा लो या कोई सप्लीमेंट ले लो या कोई इस तरह का इंटरवीनस ड्रग इस्तेमाल कर लो और उसके बाद होगा ये कि आपका वजन झटपट कम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? बुशरा, एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है आजकल के ज़माने में लोगों पर वज़न कम करने। Exactly. एक बात हम जानते हैं कि ज़िंदगी के सर्टन पहलुओं पर, जैसे आप 30 जब क्रॉस करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, तो वज़न घटाना इतना आसान नहीं रह जाता। कितने लोगों को अपने इर्द गिर्द देख रही हैं, कितने क्लाइंट्स को देख रही हैं जो ओजम्पिक या इस तरह की मुख्तलिफ ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो उनको आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ कितनी उनके लिए गलत है। लाइक अगर कोई इंसान लेट्स से अपने 40s में और ये ले रहा है तो एक तो उनको हार्मोनल, स्पेशली फॉर लेडीज़ हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, चाइल्ड बर्थ में इशू होता है, तो बहुत और साथ साथ ये तो चले 40s में बाय द टाइम पीपल आदा है, हो सकता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी हो, आप नहीं इस बारे में यू नो फिकर करते, हार्मोन्स एनीवेज आपके स्लो डाउन हो रहे होंगे, लेकिन ये आपकी बाकी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, आपकी किडनीज के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, आपके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, या वो अनअवेयर हैं इन खतरा? अनअवेयर हैं, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में ट्रेनर्स, इवन डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो सेल कर रहे होते हैं ये चीज़ें, तो समहाउ वो कन्वेंस भी कर रहे होते हैं कि नहीं, जैसे हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है, नेचुरल बना हुआ है, तो एक मिस सेलिंग होती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें कि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके लिए कितने अनहेल्दी हैं और आपकी बॉडी को किस तरह, क्योंकि रिपीडली वेट लॉस हो रहा है ना, तो वो आपका फैट तो लॉस नहीं हो रहा है, आपका मसल लॉस हो रहा है वैसे। अच्छा, आप क्योंकि इतना लोगों को जानते हो, जिस क्लाइंटेल के साथ आप काम कर रहे हो दे आर वेल टू डू, वो अफोर्ड कर सकते हैं ये ड्रग्स, मुझे ये भी बताओ कि क्या अपनी प्रैक्टिस में बुशरा तुमने ये नोटिस किया है कि जब ये ड्रग्स छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है? चले अगर शॉर्ट टर्म गोल ये था कि झटपट ये इस्तेमाल करके वज़न कम कर लिया, लेकिन फिर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली अगेन वेट गेन एंड मूड स्विंग्स, एक अजीब तरह की चिड़चिड़ाहट भी आने लगती है, क्योंकि आप इतनी आपकी बॉडी इतनी अडिक्टिव हो जाती है, अननेचुरली वो हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है आपके, तो आपका एक तो मूड स्विंग, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, क्योंकि ड्रग्स है ना, आप किसी भी ड्रग पे खुद को डिपेंडेंट करोगे और आप उसको छोड़ोगे तो आप अजीब तरह से बॉडी आपकी विड्रॉल से एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा जो अनपॉपुलर चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लोग इवन यहाँ तक कि स्मोकिंग कई लोग इसलिए टेकअप करते हैं कि उनको लगता है ये एक हंगर सप्रेसेंट है, इससे भूख ख़त्म होती है, जब भूख लगे के बजाय इसके कि आप कुछ खाएं और आपका कैलोरी इनटेक हो, आप अनहेल्दी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। मैंने लोगों को कॉफ़ी बीन्स खाते हुए देखा है, मैंने यहाँ तक लोगों को ब्लैक कॉफ़ी, अगर आप देखें इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, पीपल आर नॉट पुटिंग शुगर और मिल्क इन देयर कॉफ़ी, दे वॉन्ट ब्लैक कॉफ़ी, और इसका भी मेन रीज़न ये है कि ये आपको वज़न कम करने में इस तरह हेल्प करती है कि आपको आपका हंगर सप्रेस कर देती है। ब्लैक कॉफ़ी लाइक अगर आप प्री वर्कआउट पी रहे हो तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है, तो उससे ये होता है कि आपका वर्कआउट अच्छा होता है। तो ब्लैक कॉफ़ी अगर आप वर्कआउट से पहले पी रहे हो एक कप, तो
दैट्स फाइन अगर आप एक ब्लैक कॉफ़ी पी, लेकिन एम्प्टी स्टमक पे पीना? एम्प्टी स्टमक नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपको अच्छा, हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे कि रात को सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी के, स्पेशली रात को तो पीनी ही नहीं है, पर हाँ रात को ब्लैक कॉफ़ी पी के सो गए कि भूख ना लगे, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ लाइक. और एक कप नहीं, यानी ऐसा लग रहा है कि दिन में 15-15 10-10 कप पिए जा रहे हैं, क्योंकि जब भूख लग रही है बजाय इसके कि आप कुछ खाएँ, आप दूसरी तरफ उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं. अगेन इसका क्या नुकसान है? इसके बहुत ऑब्वियसली आपका स्टमक, पहले तो आपका एक तो स्टमक इशू, गट इशूज होंगे आपको, एंड देन गर्म बहुत है कैफीन, आप इतना ज़्यादा कैफीन आप लोगे, गर्म बहुत है, आपकी स्किन इशूज होंगे, हार्ट का इशू होगा, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स डायरेक्टली इस्तेमाल होगा. यानी जैसे अगर हम चाय या कॉफ़ी खाली पेट पर पीते हैं, आपके स्टमक में ऑलरेडी एसिड्स मौजूद हैं और ये उसको मज़ीद एसिडिक करता है. और हार्ट का इशू भी, क्योंकि कैफीन है ना, आपका हार्ट रेट वैसे ही बढ़ा रही है, तो आप इतना रैपिडली कैफीन लोगे तो आपको हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं. अच्छा, ये यूजुअली ये तमाम प्रैक्टिसेस हम दिखा रहे हैं आपको ओल्डर लोगों में, जिसमें फिर साइड इफेक्ट्स या खतरात जो हैं वो फौरी तौर पे जाहिर होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस तरफ फील कर रहे हैं वो टीनएजर्स और लेट टीन्स में जो लोग हैं और जो अर्ली ट्वेंटीज़ में हैं. मुझे ये बताइए कि बॉडी शेमिंग, अगेन बुशरा, बहुत कॉमन है, ख़ासतौर पर ये आपकी सबसे फर्टाइल एज है, ये सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जेटिक एज है, आपको भूख भी ज़्यादा लग रही है, अगर आप जंक फूड खाएंगे, अगर आप तवाज़ुन नहीं रखेंगे तो वज़न तेज़ी से बढ़ेगा भी. इस एज ब्रैकेट पे इतना प्रेशर क्यों है वज़न कम करने का? अच्छा, वैसे इस एज ब्रैकेट पे बॉडी को ज़रूरत भी है हेल्दी खाने की, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है ना, अगर टीन एज में है या ट्वेंटीज़ में है, 30 तक हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तो हमें अच्छे न्यूट्रिशन की वैसे ज़रूरत भी है. प्रेशर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे इमेच्योर नहीं होते, तो वो एक पीयर प्रेशर आ रहा होता है कि मेरी दोस्त ने सोशल, स्पेशली सोशल मीडिया, के इस ब्लॉगर की बॉडी ऐसी है, या क्योंकि लेकिन वो फिल्टर्स हैं, मोस्टली वो फिल्टर्स हैं या फिलर्स हैं, तो उसको देख के इसकी बॉडी ऐसी है, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बच्चों में मैं बहुत देख रही हूँ. मेरे पास जो अब छोटे क्लाइंट्स आते हैं लाइक 18-19, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि 18-19 साल के लोग, बुशरा, आपके पास खुद आते हैं, या मैंने कई ये प्रैक्टिसेस भी देखी है कि चाहे डॉक्टर्स हों, डर्मेटोलॉजिस्ट हों, कोई भी बॉडी से रिलेटेड कंप्लेन है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा या एक माइनर खुद डिसीजन नहीं लेता, यूजली पेरेंट्स का भी पुश होता है, ये नोटिस किया? दोनों चीज़ें, एक तो बच्चा भी आ रहा होता है, खुद भी आ रहा होता है कि पेयर प्रेशर बहुत है, स्कूल में दोस्तों को देखती हूँ तो बुरा फील होता है, बट ये बात है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है. बल्कि मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले ही ऐसा सीन हुआ कि उसके बच्ची के अब्बू बोलते हैं कि इसको इतना वर्कआउट करवाओ, इवन इसको अगर हॉस्पिटल लेके जाना पड़े डेट्स फाइन, बस इसको इतना वर्कआउट कराओ कि एक महीने में इसका वेट कम हो जाए. व्हाट अ टॉक्सिक थिंग टू से. एग्जैक्टली. अच्छा, ये चीज़ बाय द वे हमारे घरों में भी है, अगर किसी बच्चा कोई जेनेटिकली उसकी डिस्पोजिशन ऐसी है, या आपने बचपन में ध्यान नहीं दिया, यकायक बच्चे का वज़न बढ़ गया, जिस किस्म की बातें हम कहते हैं वो बहुत तकलीफ़ दे. मैंने कई घरों में यहाँ तक देखा है कि जी बच्चे के सामने से खाना उठा लिया गया, या उसको टोका गया कि भाई देखिए आप जो भी काम करें वो आप प्यार से करें. Exactly. इनको डाइट में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस पर बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है कुछ लोगों के घर में, तो मैंने देखा है कि उनके माँ बाप लाइक खाना बंद कर देते हैं कि एक मील देंगे और खाना बंद है, यू कैन नॉट हैव एनीथिंग एल्स. अब मुझे हाउ कैन दैट चाइल्ड फील लव्ड अगर वो अपने घर पे ही लव फील नहीं कर रहा है कि अगर मेरी सर्टेन बॉडी टाइप नहीं है और मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी तो बाहर कैसे एक्सेप्टेंस. अच्छा, और ऐसे ही बच्चों को फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, आपका एक अनहेल्दी रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ बनता है. जैसे ही वालदैन इस किस्म की सख्ती या इस किस्म का रवैया अपनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने पेरेंट्स को बुरा समझने लगें या उनसे दूरी इख्तियार कर लें, आपको महसूस ये होता है कि आप में कुछ कमी है, एंड यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी अनहेल्दी वे टू बींग. और उसके बाद अगर आपका वजन कम भी हो जाए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, आप अंदर से बहुत खोखले हो जाएंगे. सो आई थिंक बुशरा, एनी पीस ऑफ एडवाइस फॉर पेरेंट्स? एग्जैक्टली, क्योंकि एक ना ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसको हम ब्लोमिया कहते हैं. इसमें यह होता है कि एबनॉर्मल ईटिंग होती है, कि आप इतना बॉडी को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो किसी चीज़ से कि आपके जब वो चीज़ सामने आती है तो आप उसको एबनॉर्मली खाते हो. तो मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा खुद को इस चीज़ के लोग लेके एजुकेट करें कि अगर आप अपने बच्चे को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी चीज़ से तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. वो बच्चा जब खाना देखेगा तो उसको एबनॉर्मली खाएगा एक तो. सेकेंडली, मैंने देखा है कि बच्चों का सेल्फ स्टीम बहुत अफेक्ट हो रहा होता है कि हमें इतना वर्कआउट करवा दो, हमें जिम से नहीं जाना, हमें लाइक नौजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं बगैर वर्कआउट करने. तो एजुकेट करें खुद को, बच्चे भी, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से. थैंक यू सो मच बुशरा. देखिए, आपको कोई भी काम करने में अच्छा महसूस होना चाहिए, इट शुड ब्रिंग यू जॉय, इट शुड ब्रिंग यू हैप्पीनेस. किसी भी चीज़ को जबरन करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आप अपने आप को हार्म कर रहे होंगे.